राधे राधे दोस्तों, जब हम श्री कृष्ण इस नाम को सुनते हैं तो कान्हा की मधुर बांसुरी और रासलीला भला किसे याद नहीं आ जाती। कृष्ण की रासलीला को लेकर बहुत से मिथ्यक समाज में प्रचलित हैं। हमेशा से उन पर उंगलियां उठाने की कोशिशें की जाती हैं। यहाँ तक कि आज भी माना जाता है कि श्री कृष्ण जो रासलीला करते थे उसके पीछे ना जाने क्या अर्थ था, और अलग अलग अजीबो गरीब अर्थ निकाल लिए जाते हैं। पर श्री कृष्ण का रास सर्वाधिक पवित्र था। आज भी ये माना जाता है कि निधि वन में श्री राधे कृष्ण रास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या थी कृष्ण की रास लीला की वास्तविकता, क्या होता था इस अद्भुत रास लीला में, क्या है इसका वास्तविक रस और इसके पीछे छुपा गुड़ अर्थ जो केवल शुद्ध भक्तों को ही समझ में आ सकता है और किसी को नहीं। दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार श्री कृष्ण 8 वर्ष की आयु में रासलीला किया करते थे। ये रास खास तौर पर शरद पूर्णिमा की पूर्णचंद रात्रि में किया जाता था। कृष्ण इस रास के लिए स्वयं को विशेष रूप से सजाते थे मौसमी पुष्पों और मल्लिका के फूलों से। कृष्ण त्रिकालदर्शी थे और सबके मन की बातें वो जानते थे। वो जानते थे कि विवाहित होने के बावजूद सभी गोपियाँ माँ कात्यायनी से श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मांगती थी। उनसे यही वरदान मांगती थी कि श्री कृष्ण उनके पति बन जाए, और श्री कृष्ण रास के माध्यम से गोपियों की यही इच्छा पूरा किया करते थे। शरद पूर्णिमा की पूर्ण चंद्र रात्रि में श्री कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म है। उन्हें किसी भी प्रकार की संतुष्टि की लालसा नहीं होती। वो अपने ही विस्तार, और कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि हमारी श्रीमती राधा रानी की विस्तार का रूप गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसा करते थे। रही बात श्री कृष्ण की दृष्टिकोण की, तो उनके अनुसार उन्हें हर गोपी में अपनी राधे दिखती थी। कृष्ण के द्वारा पूर्ण चंद रात्रि में वन के बीचों बीच मधुर बांसुरी बजाई जाती थी, और कहा जाता है कि इसकी तान इतनी मधुर होती थी कि उसको सुनकर सभी गोपियां अपने घर का सारा काम, पति, परिवार, बच्चों का खाना पीना और जो भी वो कर रही होती थी, सब कुछ छोड़कर तुरंत उसी समय श्री कृष्ण की ओर भागती थी, जो इस बात का प्रतीक है कि जब परमात्मा पुकारते हैं तो उसकी अंश जीवात्मा को सब कुछ त्याग कर उसके ओर आना ही पड़ता है। कुछ गोपियां कृष्ण के पास जाने से पहले थोड़ा सा श्रृंगार करने का भी अक्सर प्रयास किया करती थी। प्रयास इसलिए क्योंकि उनके श्री कृष्ण से मिलने की बेचैनी और आकर्षण इतना होता था कि वो अक्सर ही अपने श्रृंगार को पूरा किए बिना ही, और कई बार तो कपड़े भी उल्टे सीधे पहनकर श्री कृष्ण की ओर वन में भागती थी। कई बार क्योंकि गोपियों का विवाह हो चुका था तो उनके पति और पिता, पुत्र इत्यादि श्री कृष्ण के पास उन्हें जाने से रोकने के लिए कमरे में बंद कर देते थे। तो बताया जाता है कि ऐसे में वो गोपियां अपनी आत्मा को योग के द्वारा एक कर लेती थी श्री कृष्ण के साथ रास में, यानी कि उनके शरीर उनके घरों में है और उनकी आत्मा उनके शरीरों से निकलकर श्री कृष्ण के साथ रास मंडल में पहुंच जाती थी, जो कि भागवतम में योग की सर्वश्रेष्ठ अवस्था बताई जाती है। जब कृष्ण के पास गोपियां पहुंच जाती थी तो कई बार हमारे कान्हा उन्हें चिढ़ाने और उनके गुस्से से फूले मुख को देखने के लिए अनेक बातें किया करते थे, जैसे तुम्हें इतनी रात में इतने घने वन में जहाँ इतने भयंकर पशु हैं नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए गोपियों, क्योंकि तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अपनी रक्षा स्वयं कर सको। ऐसी बातें सुनकर जब गोपियां गुस्से से और आंसुओं से भर जाती तो वो श्री कृष्ण से उन्हें स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगती। वो कहती कि हे श्री कृष्ण, हम सब कुछ त्याग कर आपके पास आए हैं। आप जानते हैं कि आप ही ने हमें बुलाया है, अब हमें स्वीकार करने की कृपया करें प्रभु, अब हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। और श्री कृष्ण मुस्कुराकर उनके साथ रास करना प्रारंभ कर देते हैं, जो इतना मधुर होता था कि देवता, गंधर्व आदि भी इस दृश्य को देखने के लिए ललाहित रहते थे। वो उन पर फूल बरसाते थे। कृष्ण अनेक रूप लेकर प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करते थे। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उन्हीं के साथ नृत्य कर रहे हैं। जब कृष्ण गोपियों को छूते तो वो आध्यात्मिक रूप से भरकर हर सांसारिक बंधन और आकर्षण से मुक्त हो जाया करती थी, पवित्र हो जाया करती थी। और कृष्ण उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर बिल्कुल वैसे ही खुश होते थे जैसे कि कोई बच्चा आईने में अपना ही प्रतिबिंब देखकर खुश होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे रास में हमें कहीं भी कामुकता देखने को नहीं मिलती। एक अलग ही शांति और सुकून यहाँ पर व्याप्त है।
ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि वो परम भगवान हैं और भागवतम के अनुसार उनके पास आकर तो काम और वासना जैसी भावनाएं भी अपने आप पवित्र और शांत हो जाती है, और वो भी निर्मलता में और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। अतः इसलिए श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य का संबंध बहुत ही पवित्र बताया गया है। जब सभी गोपियाँ रास करके थक जाती थी तो श्री कृष्ण उनके साथ यमुना में जल क्रीड़ा किया करते थे। ये जल क्रीड़ा बेहद मनोरम होती थी और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में गोपियों का जाने का समय हो जाता था। गोपियों का श्री कृष्ण के पास से जाने का मन तो नहीं करता था, किंतु उनके कहने पर वो अपने अपने घर लौट ही जाया करती थी, क्योंकि वो श्री कृष्ण की कोई बात टाल दे ऐसा हो ही नहीं सकता और उनके प्रति वो सदैव ही समर्पित है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ आ गया होगा कि श्री कृष्ण रासलीला क्यों करते थे। अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।